हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर और पेपर वन, एक आसान सा और इम्पोर्टेंट सा प्रश्न जो हर साल पूछा जाता है, ये आपको पता होगा, मगर हम बात करेंगे कि एग्जाम्स में कैसे लिखना है और थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल जान जाते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। हम बात कर रहे हैं प्रश्न की योग, योग क्या होता है, योग का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका लक्ष्य क्या है और इससे फायदा क्या है योग का, योग योगा और योगी, ठीक है। योगी योग के बाद क्या होता है, इंसान योगी बनता है और योगी के बाद मुख्यमंत्री। जोक से पार्ट, ठीक है। तो योगा जो होता है ना, वो योग का एक पार्ट होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम देखने वाले योग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं योग के अर्थ की, कि योग का अर्थ क्या होता है। उससे पहले आसान भाषा में समझ जाते हैं कि योग का मतलब क्या होता है। देखिए, जब इंसान योग में विलिप्त हो जाता है, जब इंसान योगी बन जाता है, तो क्या होता है, सांसारिक मोह माया त्याग कर भगवान से जुड़ जाता है। वो अपनी शक्ति भगवान से जोड़ लेता है, उसका हर एक काम, हर एक चीज, बस यही मकसद होता है कि वो भगवान को खुश करे, अल्लाह को खुश करे, वो ऐसे कार्य करे जिससे अल्लाह राजी हो जाए, भगवान राजी हो जाए, बाकी सांसारिक मोह माया को त्याग देता है। यही वास्तव में एक सच्चे योगी का धर्म होता है, वास्तव में यही एक सच्चे योग और योगी का कर्तव्य होता है। तो आइए देखते हैं कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, योग कैसे बना, योग किस शब्द से बना। देखिए, योग संस्कृत शब्द के युज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि मिलना या जोड़ना। अर्थात योग ऐसी कला है जो जीवन को भली भांति समझाकर आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग बताती है। योग करना, योगी बन जाना, यह एक ऐसी कला है जो इंसान को, उसकी आत्मा को परमात्मा से, भगवान से, ईश्वर से जोड़ देती है। इसी चीज को हम योग कहते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि योग संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। अर्थात योग का शाब्दिक अर्थ यह है कि योग एक ऐसी कला है जो इंसान की आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं योग की परिभाषा क्या होती है। योग की परिभाषा भी बिल्कुल इसी प्रकार से दी गई है। योग की परिभाषा में सबसे पहली परिभाषा देखते हैं पतंजलि के महर्षि के अनुसार। योग क्या है, मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अर्थात चित्त की चंचलता, चित्त यहाँ पे गलती से लिखे, चित्त की चंचलता मतलब मन की चंचलता का दमन ही योग है। आप अपने मन पे काबू करें, आप अपने नफ्स पे काबू करें, आप अपने नफ्स को बहकने ना दें, अपने मन को बहकने ना दें, इसकी चंचलता को रोकना ही योग है। और जब इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है, अपने मन पे काबू कर लेता है, तो वो योगी बन जाता है। तो महर्षि पतंजलि के महर्षि के अनुसार योग क्या है, चित्त की चंचलता का दमन ही योग है, मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं, दूसरी परिभाषा लेते हैं हम कहां से, गीता से, कृष्ण के अनुसार। कृष्ण जी ने योग के बारे में क्या कहा गीता में, समत्वम योग उचित। अर्थात परमात्मा व जीवात्मा का एकाकीकरण ही योग है, आत्मा से परमात्मा को मिला लेना ही योग है। और जब इंसान आत्मा को परमात्मा से मिला लेता है, तो वह योगी बन जाता है, ठीक है। ये हो गई दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार। योग क्या है, योग पुरातन पंथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश मिलाता है। जब इंसान योगी बन जाता है, तो अंधेरे से प्रकाश का मतलब क्या, प्रकाश का मतलब वास्तविकता। और इंसान की वास्तविकता यही है कि प्रभु को पा लेना, ईश्वर अल्लाह को पा लेना, यही वास्तविकता है। तो योग क्या है, एक ऐसा रास्ता है, पंथ है, जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश मिलाता है। तो ये बेहतरीन परिभाषा थी, आप इसे एग्जाम्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं योग के बारे में। दोस्तों, योग एक ऐसी चीज है जिससे हम हमेशा जुड़े होते हैं। तो इस परिभाषा के आधार पर आप स्वयं अपने शब्दों में इस चीज की व्याख्या कर सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे कि योग, आपने क्या देखा, योग एक ऐसा साधन है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग प्रदर्शित करता है। इसके साथ आप लिख सकते हैं कि योग करने से क्या होता है, मन में एकाग्र आता है तथा चित्त की चंचलता मतलब मन इधर उधर बहकने से बचता है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि इसके द्वारा व्यक्ति पाप करने से बचता है और मन को शुद्ध करके एक ऊर्जा प्राप्त करता है और सही रास्ते पे कार्य करता है। योग क्या है भैया, एक उच्च कोटि का साधन है जो व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है, व्यक्ति को सुख प्रदान करता है, व्यक्ति इससे कुशलतापूर्वक कार्य करता है। योग क्या है, योग एक ऐसा साधन है जिससे इंसान क्या करता है, दूसरों की हित के लिए सोचता है, अपने को भगवान से जोड़ लेता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेता है। तो इस परिभाषा के आधार पर आप योग की व्याख्या कर सकते हैं। अब इस वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान जानता नहीं हो, बस परिभाषा और अर्थ इंपॉर्टेंट था। अब योग के बारे में आप स्वयं इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट देख के कवर अप करते हैं, इस वीडियो को खत्म करते हैं। वह पॉइंट क्या है कि योग का लक्ष्य क्या होता है, मतलब उद्देश्य क्या होता है, हम योग करके आप प्राप्त क्या करते हैं। तो फिर वही चीजें बात होंगी कि योग का प्रथम लक्ष्य क्या है भैया, मतलब प्रथम लक्ष्य ये है कि शारीरिक अंग प्रत्यंगों की वृद्धि करना, इसका विकास करना। योग से पता है, योग से हम व्यायाम करते हैं, तो शारीरिक मसल्स या फिर शारीरिक
अंग होते हैं वो अच्छे से विकसित होते हैं। योग करने से मानसिक शक्ति आती है, ठीक है, और योग से क्या होता है मानसिक बीमारी जैसे कि भ्रम, डर होना, तनाव होना, थकान होना, ये सारी चीज, अनिद्रा सबसे बड़ी समस्या ये, योग से करने से आपको अनिद्रा की समस्या खत्म होती है, ठीक है। योग से आपको हड्डी के रोग से मुक्ति मिलती है, योग से मन स्थिर रहता है, योग से इंसान का आचरण शुद्ध होता है। तो योग कहने की सिंपल सी बात है, योग एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी इसका लक्ष्य उद्देश्य इसकी परिभाषा अर्थ पूछ ली जाती है, या योग के बारे में इसकी विशेषता या योग के बारे में आपका कथन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो योग बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक चीज को हर एक बच्चे को जानना चाहिए, और उम्मीद है योग के बारे में आप भी बहुत कुछ जानते होंगे। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में लिखिएगा, इस चीज जो पॉइंट्स आपको बताया गया इस पॉइंट्स को एग्जाम्स में जरूर लिखिएगा, इससे आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपको आप और टीचर को लगेगा कि बच्चे ने सच में कुछ पढ़ा है और योग को अच्छे तरीके से जाना है। तो मेरी तरफ से कोशिश थी कि आपको थोड़े से शब्द ज्ञान करा दूं कि कैसे योग के बारे में लिखना क्या है, वो क्या क्या मटेरियल्स ऐड करने हैं अपने एग्जाम पॉइंट में, और इससे पेपर खूबसूरत होता है, बेहतर बनता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मेरी कोशिश कामयाब हुई होगी, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी योग के बारे में। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो और अच्छा लगा हो वीडियो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। और हाँ, बीएड को देखिए आपको बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होना है, आप बस वीडियो को देखते रहिए, एग्जाम से पहले आपके सारे पॉइंट्स ऐसे ही कवर अप कर दिए जाएंगे। बाकी आप अपने फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा, आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता हूँ, और हर एक वीडियो के अंत में मैं कहता हूँ मुझे खुशी होगी अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।